में आ जा मिला जा आराम से मैं ही बैठा हूँ क्या सब खड़े हो गए मैं भी खड़ा हूँ ओके सर ओके थैंक यू कोई ऊपर मत आना भाई नहीं तो मैं खड़ा हो जाऊंगा अपने को करन 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 करन
नहीं नहीं सर सर खाली मुंह पे लगा मुंह पे सो देन वी आर फीडिंग ईच अदर फॉर करण 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 सर मैं भाई दबाना मत करण सर करण सर थोड़ा सा पीछे किशन कहाँ घुस रहा है जूम करना दो लाइन आर्टिस्ट लेट देम स्पीक करण यो व्हाट्सअप मैं एक्चुअली बहुत दिल से रहा हूँ आप लोग पानी में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं मन कर रहा है कि मैं भी कूद जाऊँ यहाँ पे बस फोन वोन वॉलेट निकाल के हम लोग भी आ रहे हैं अंदर और कुणाल का चश्मा उतरना है बस बाकी सब चाहिए कुणाल को चिंता नहीं उसके पास वॉलेट नहीं है तो हमारी फिल्म 25 मई को रिलीज हो रही है जितना आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं आप प्लीज थिएटर में जाके इंजॉय कीजिएगा और दो सब कुणाल कहना चाहते हैं
गाइस आई एम श्योर आप सभी लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी फिल्म है, मैसेज भी बहुत अच्छी है इसकी, आप लोग जरूर जाके देखिए 25 को। लव यू गाइस, हाउ आर यू ऑल, फुल पावर, सुपर। 25 में पिक्चर आ रही है हमारी, पहली पिक्चर है मेरी। सर सेंटर कैमरा, दादा हाथ हाथ से पीछे करना मोबाइल। मैम नाइस नाइस, आई कैन हियर दैट, दैट्स सो नाइस। फिर से बोल, कहता है हां इतना हुआ ना, अभी तक हो गए 4 घंटा भी बोल ना। अरे भाई बोलते हिमांशु भाई को तो आगे से तो मिल गया 4, तो थैंक यू हिमांशु भाई। हिमांशु भाई चार्जिंग चार्जिंग करण सर दुबे फेलो दूसरा।
जो पोस्टर आप लोगों ने देख लिया है एंड द आइडिया इज टू लीव एवरीबॉडी विद अ क्वेश्चन मार्क दैट व्हाट द फक इज अबाउट और 27 तारीख को हमारा ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो जाएगा तो आपको बहुत सारे जो सवाल हैं बच्चों को लेकर के वो वहाँ पे जो है यू विल गेट आंसर्स टू दैट फिलहाल करण है पिक्चर का तो आई थिंक आगे की बातें करण करेंगे करण बताइए ये करंट अफेयर वाली बातें करेंगे फिल्म बेसिकली हिट करती है उस पॉइंट को कि लोग किस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं और जो चीज़ में हम बिलीव करते हैं क्या वो सच हो जाती है या हो सकती है और डिपेंड करता है कि हमारा फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है इट्स अ स्टोरी अबाउट आर फेथ इन व्हाट वी बिलीव एंड हाउ वी गो अबाउट गेटिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स रियली अबाउट विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत ही वेरी फाइन लाइन तो ये पिक्चर उस बात को दर्शाती है कि कैसे कई बार हमारा विश्वास कैसे अंधविश्वास की तरफ चला जाता है और एक बहुत ही लाइट हार्टेड और बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी रिलेटेबल सटायर यू कैन से इट्स नॉट किसी तरीके का मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है बहुत ही अध्यात्म का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख करके रिस्पेक्ट के साथ आदर के साथ इस पिक्चर को बनाया गया है ये हमारे निर्देशक है हमको समझ आया एक्चुअली वो क्या बना रहे थे हमको पूछना पड़ेगा ओके आप बताना चाहेंगे नहीं मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में कीपिंग द टॉपिक ऑफ रिलीजन एंड ऑल्सो कि आजकल हम ये भी देखते हैं कि रिलीजन के नाम पे लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है तो आई थिंक दैट दिस फिल्म इज ऑल्सो इट्स ऑल्सो रेलिवेंट इन दैट सेंस क्योंकि हमारे अभी जो माहौल है तो रिलीजन को लेके लोगों का जो एडवांटेज लिया जाता है आई थिंक दैट दिस फिल्म इज़ वेरी रेलिवेंट और उसी टॉपिक को लेके एक फन तरीके से कॉमेडी से कॉमेडी के माध्यम से हमने ये एक्सप्लोर किया बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है इस पूरे इस चीज़ में कि भगवान की ज़रूरत क्यों है हमें और भगवान क्या है इस चीज़ का जो डेफिनेशन है वो आगे की दो फिल्में अगर आप पीके देखेंगे या ओ माय गॉड देखेंगे उसमें रिलीजन और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया जा रहा है लेकिन इस फिल्म में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान क्या है एग्जैक्टली भगवान क्या है चाहे आप उसे अल्लाह बुला लें चाहे आप उसे गुरुदेव बुला लें चाहे आप उसे कोई और नाम से बुला लें लेकिन भगवान एग्जैक्टली है क्या उसको हमने डिफाइन करने की कोशिश की ओके अंकुश जिस तरह का पोस्टर है जैसे कुणाल ने कई बद लफ्जों में कहा जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है पॉलिटिकल अगर लिहाज से देखें तो क्या आपको इस बात को लेकर डर है कि आगे उठ के कोई इस बात की खिलाफत करेगा या ऑब्जेक्ट करेगा तो पोस्टर वे यू शोस यू नो शंकर भगवान एंड यू नो राम मतलब खिलाफ तो मतलब हर एक आदमी को अपना ओपिनियन देने का पूरा हक है लेकिन अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और हमसे डिस्कस करें तो उसे भी पता चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं तो जब ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं तो आई थिंक वो भी हमारे तरफ ही आके इस फिल्म को प्रमोट करेंगे और ये एक फिक्शन है हम जो दिखा रहे हैं हमेशा जो भी फिल्म होती है एक स्टोरी होती है एक फिक्शन होती है इट्स नॉट रियल लाइफ हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके खिलाफ लोगों को बहुत कुछ कहना चाहिए तो जो लोग अगर खिलाफ बात करना चाहते हैं तो अगर उसके बारे में बात करेंगे तो बेटर है बिकॉज दिस इज इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स फिक्शन ओके रवि आप क्या कहना चाहेंगे पूरे तरफ देखिए मतलब कुछ जो बातें होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और उसी सेंसिटिविटी के साथ ही उनको डील किया जाना चाहिए एंड दैट इज़ प्रैक्टिकल विजडम तो वो सेंसिटिविटी का ध्यान रख के अंकुश ने पिक्चर बनाई है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात हो या हल्का सा भी किसी को बुरा लगे उस बात का खासा ध्यान रखा गया है पूरी पिक्चर के अंदर थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ द फिल्म दैट इज बीन टेकन इनटू कॉन्टेक्स्ट मेनी थिंग्स मतलब कि क्रिएटिव स्पेस में वो लालच होता है कई बार ऐसा भी करते हैं वैसा भी करते हैं शायद ज़्यादा आईबॉल्स मिल जाए लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं है बहुत ही किफ़ायती तरीके से किफ़ायती मैं इसलिए कह रहा हूँ दैट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी हेल्ड बैक अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज टू बी गिवन आउट इन अ सर्टन वे ओनली सो ऑल दोस वो सारी बातें जो है उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया और या बेसिकली दैट एंड एंड ऑफ द डे व्हाट करण सेड अ स्टोरी इज अ स्टोरी इट इज़ मेंट टू बी टोल्ड तो ये हमारी स्टोरी टेलिंग करने का एक एफर्ट है हमारा बाकी तो मतलब आई होप दैट पीपल डू नॉट टेक इट इन द रॉन्ग वे इट इज़ ओनली टू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट ओके करण जैसे अभी अंकुश ने कहा कि पीके और ओ माय गॉड की हम बात करते हैं उससे कितनी जुदा होगी ये फिल्म कितनी अलग होगी क्योंकि ये उसी मुद्दे को उठाती है और अलग अलग तरीके से इन सटायर वे इन कॉमिक वे डेफिनेटली इट इज़ इन अ कॉमिक वे मगर हमारा फेथ किस चीज़ में है और वो चीज़ एग्जैक्टली क्या है इसमें कभी कभी डिफरेंस हो जाता है बहुत माइनर डिफरेंस जो लोग समझ नहीं पाते तो हमने वही एक
कॉमिक वे में दिखाने की कोशिश की है कि आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं और क्या चीज़ है। ओके कुणाल, कॉमिक वे में पूछना चाहूँगा, वेरी लाइटर नोट, आप शंकर भगवान से कितना रिलेट करते हैं? रिलेट तो करता हूँ कि शंकर भगवान काफ़ी मस्त रहते हैं गड़बर तो उस चीज़ को लेके तो काफ़ी, यानी कि मेरी दिन में मैं बहुत ही आलसी हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शंकर भगवान आलसी बट यू आर मस्त फॉर श्योर। हाँ, वेरी मस्त। जो शंकर भगवान की जो तीसरी आंख जब खुलती है और जब वो भयंकर अवतार में जब वो पेश आते हैं, वो आज तक मैं, वो तीसरी आँख मेरी आज तक खुली नहीं है, तो मैं उसी चीज़ की मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो तीसरी आँख कब खुलेगी और उस अवतार मुझे कब देखने का मौका मिलेगा, पर आज तक तो मैंने नहीं देखी, पर हाँ मुझे तो बहुत मज़ा आया। रवि, आप कितना रिलेट करते हैं? मैं तीनों ही कैरेक्टर्स के बारे में एक बात बस कहना चाहूँगा, अगर ये जो चाहे वो विष्णु हो या ब्रह्मा हो या शंकर हो, तो एक फिनोमेना है सस्टेनेंस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का, जिसे आप हर चीज़ में देख सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर कोई भी सेंटिएंट लाइफ फॉर्म हो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ये जो फंक्शन है, आप तीनों चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों को आप हर जगह देख सकते हैं, यू नो। सो अब बात आती है वो जो करण भी कह रहे थे, कॉमिक एंड सटायर, यू नो, एक दो अलग चीज़ें, मतलब किसी बड़ी बात को हल्का सा रिलेटेबल बना के कह देना आप, तो ये वो एफर्ट है पिक्चर का, किसी तरीके से, मतलब वो कॉमिक को आप उस शब्द के साथ कंफ्यूज ना हो कि वो उस चीज़ का कैरिकेचर ऐसे कुछ नहीं बात, वो बिल्कुल बेसिकली एक परसेप्शन की बात होती है कि आपको क्या दिखाई देता है। जैसे अगर हम पहले पोस्टर की बात करें तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है कि तीन लड़के भगवान बने हुए हैं या एक पेंटिंग के आगे तीन लड़के खड़े हैं जो नॉर्मली बात कर रहे हैं? परसेप्शन की बात होती है कि आपकी बिलीव किस में। आप जैसे हम मंदिर में वाले भगवान जो है उनको बहुत पूजते हैं, और हमारे घर पे एक आर्टिफैक्ट होता है या पेंटिंग होती है या कुछ होती है, उसको हम पूजा नहीं करते, तो वो परसेप्शन की बात होती है कि आप किन किन पेंटिंग्स को भगवान मानते हैं या किन मूर्तियों को आप नॉर्मल चीज़ करते हैं। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तीन तीन भगवानों के साथ और सबसे बड़े भगवान अंकित भट्ट? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। इट्स अ कॉमेडी फिल्म एट द एंड ऑफ द डे, सो वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर इट एज वेल। सो या, आई मीन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज बिकॉज एवरीबडी हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग दिस फिल्म विद अ लॉट ऑफ लव एंड पैशन, सो आई एम होपिंग दैट एवरीबडी इज गोना लाइक इट एज वेल। Thank you so much. Thank you. Thank you. I will just like to introduce the man behind the camera, Chintan Rana. He is the producer of the film. Young producer. Young producer, very young producer. Ayub Khan. Sir, Ayub Khan idhar chupa hua. He is the one who has taken the courage to distribute the film. Very well. Mahinder ji. Aja bhai, koi aur bacha hua hai to? छोटी उम्र का ये इधर है।